हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रूट कैचर पर। और मैं आपको आज ले जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर। एक्चुअली मैं कोई जगह पर नहीं ले जाने वाला हूँ, हम लोग सोच रहे हैं, एक पिकनिक प्लान किया है आज हमने, और उसी पिकनिक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे इस पिकनिक टूर में। तो दोस्तों, आज हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, और पिकनिक मनाने के लिए हम एक्चुअली आज हमने प्लान किया है कि हम आज डक मीट लेंगे, यानी कि बतख खरीदने वाले हैं। और ये बतख खरीदने के लिए हमें लगभग 2 या 3 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नदी के किनारे घर है और वही लोग बतख पालते हैं और वही बेचते भी हैं। उसके बाद बतख को खरीद कर उसके बाद उसे एक रेस्टोरेंट में जाकर बनाने भी देना है। ये सारे के सारे काम करने के बाद हम लास्ट में एक साथ बैठकर गप्पे मारेंगे और पिकनिक करेंगे। और इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल उसी तरफ जा रहा हूँ, और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये व्यू। सच में इस व्यू को देखते हुए आपको बहुत शांति भी मिलेगी। ये हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, मैं वहाँ पहुँचते ही आपको फिर से दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरह बत्तख मिलती भी है या फिर नहीं मिलते। मैं ये भी श्योर नहीं हूँ किंतु दोस्तों, बस मुझे इतना पता है कि वो बत्तख बेचते हैं, और हमें बत्तख मिलेगी भी या नहीं ये मैं अभी भी आपसे नहीं बता सकता। अगर बत्तख नहीं मिले तो चिकन, ओके। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में धान का खेत है, मतलब इसी से चावल निकलते हैं। साइड में जो आप व्यू देख रहे हैं, दोस्तों मैं फ़िलहाल जहाँ पे बतख मिलते हैं वहाँ पे मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि नदी के किनारे बतख मतलब चर रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे जाकर कि बतख किस तरह यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। एक्चुअली जिस तरह पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है उसी तरह यहाँ पे बतख की भी फार्मिंग की जाती है, और इन बतखों को एक्चुअली मतलब बेचने के लिए ही पाला जाता है, जिस तरह पोल्ट्री को बेचने के लिए ही पाला जाता है, ठीक सेम चीज़ है, बस ब्रीड अलग है। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, हाँ चलिए आप सामने चलिए दिखाते हैं थोड़ा देर के बाद। और ये रहा वो फार्मिंग एरिया, यहीं पे सारी बत्तख रखी गई हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हैं सारे बत्तख जो अभी फ़िलहाल चर रहे हैं, ये देखिए। और ये है नदी, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था कि आप जिधर भी जाएं मेरे गांव में आपको नदी ज़रूर मिलने वाली है। ये पूरा गांव नदी से घिरा हुआ है दोस्तों, और ये मेरे भाई, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है बैम्बू ट्री फार्मिंग। ये देखिए ये सारे के सारे बैम्बू ट्रीज़, अमेजिंग व्यू है दोस्तों, मतलब यहाँ पे आने का एक अलग ही अनुभव है। अगर आप यहाँ पे एक बार विज़िट करते हैं ना, तो आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा ये सब। और ये देखिए नदी, आप समझ सकते होंगे कि कितना सुंदर लग रहा है ये। फ़िलहाल हम बतख खरीदने तो आए हैं, लेकिन बतख के ओनर का कुछ पता नहीं है दोस्तों। देखिए ये ओनर की सीट खाली है, और उनकी वाइफ ने बोला कि थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वो, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। वैसे भी हमारे पास खाली टाइम बहुत है बाय द वे, और मैं अपना काम ख़त्म करके निकला हूँ, इसीलिए शाम का टाइम मैं आज ब्लॉग ही बना रहा हूँ।
तो फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद जब हमें ऑनर नहीं मिले तो हम खुद ही निकल पड़े ऑनर को खोजने के लिए। उनकी वाइफ ने कहा कि वो एक्चुअल में खेत में हैं, कुछ फार्मिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम खुद ही निकल पड़े उस जंगल को क्रॉस करके उन्हें ढूंढने के लिए। और फाइनली हमारे सामने एक अच्छी खासी जंगल थी जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें। यह जंगल बहुत ही ज़्यादा क्लियर था और चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हो रही थी। फाइनली थोड़ा देर ट्रैवल करने के बाद हम एक अच्छे खासे फील्ड तक पहुँच जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को धीरे धीरे हर एक चीज़ दिखाने वाला था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स जो कि जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ ये बैम्बू ट्रीज़ और भी ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन मैं हर एक चीज़ आपको कैमरा के अंदर नहीं दिखा सकता था और इसीलिए मैं सिर्फ रास्ते को ही फॉलो कर रहा था। और रास्ते को फॉलो करते हुए मैंने बहुत सारे ट्रीज़ देखे और वो सारे के सारे ट्रीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, मैं जो चीज़ अनुभव कर रहा था वही चीज़ आपको भी अनुभव करवाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कैमरे के नज़रिए से देखना एक अलग ही अनुभव हो और असलियत में एक अलग ही अनुभव हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे सामने एक पूरा खुला मैदान था और इसी मैदान में हमने दो बच्चों को देखा और उन्हीं से हमने पूछा कि असल में ओनर कहाँ है जो कि एक्चुअल में डक्स फार्मिंग करते हैं। आप शायद देख रहे होंगे कि दूर में दो बच्चे घूम रहे हैं लाल ड्रेस पहन के। हमने जस्ट उन्हीं से ये सवालात किए कि असल में डक फार्मिंग के ऑनर कहाँ पर हैं। तो वहाँ से हमें एड्रेस तो मिल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डक फार्मर भी हमें नज़र आने लगे क्योंकि वो थोड़ी साइड में ही थे। तो फाइनली हमें डक फार्म के ओनर मिल चुके थे और हम उन्हें ही फॉलो कर रहे थे। आप जिस इंसान को सामने चलते हुए देख रहे हैं वही एक्चुअल में उस फार्म के ओनर हैं और उन्हें ही हम फॉलो कर रहे थे। ये देखिए, ये रहा बत्तख और ये बत्तख को पकड़ने के लिए उनके मालिक आ चुके हैं और मैं भी हमें इन्हीं बत्तखों में से किसी एक बत्तख को दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तो फाइनली हमें हमारा बत्तख मिल चुका है। फ्रेंड्स, मैं चिकन को लेकर पहुंच चुका हूं एक रेस्टोरेंट में जहां पर मैं एक्चुअली चिकन बनाने दे भी चुका हूं और ये हमारे कुक भैया जो हमारे चिकन बनाने वाले हैं। ठीक है, ये फिलहाल जिसे धोते हो तो हाँ, और वो मैंने एक्चुअली चिकन को धोने के लिए कहा, ठीक तरह से साफ़ करने के लिए कहा उसे। ये रहा हमारा चिकन, ये एक की मिसाल है, ये क्या दिया आपने? नींबू। एकदम स्वच्छ थे क्या? इन्होंने नींबू दिया, क्लियर रहेगा। चिकन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें हल्के फुल्के मतलब पंख लगे हुए रहते हैं, उन पंखों को अगर ना धोया जाए तो ये आपके हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और फिलहाल उसी को धोने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, यहाँ से एकदम साफ सुथरा चिकन निकाला जाएगा। ये देखिए, ये साफ सुथरा चिकन निकल रहा है बाहर। पहले इन्होंने ऑयल ऐड किया, देख ही सकते हैं कितना ऑयल है यहाँ पे। इसके बाद ऑयल जैसे ही गर्म होगी ये डायरेक्टली चिकन अप्लाई कर देंगे इस पे।
उसके पहले यहाँ पर रेसिपी थोड़ी अलग तरह से होने वाली है। ऑयल को गर्म करते ही ये मसाला ऐड कर दे रहे हैं। इसके बाद ये पहले मसाला को भून लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा ज़ीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर। दोस्तों मसाला को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और सच बताओ तो ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है और यहाँ पे सच में चिकन बहुत अच्छा बनाया जाता है। ये मेरे गांव के मतलब मेन बस स्टैंड पर है। मेरे गांव मेरे घर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये रेस्टोरेंट पड़ता है। ये लास्ट में नमक ऐड किया जा रहा है, ये हल्दी पाउडर। ये चिकन ऐड कर दिया है इन्होंने और बस मसाले के साथ चिकन को मिक्स किया जा रहा है। सच में यार बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कंप्लीट हो चुकी है, अब जस्ट इन्हें इन पार्सल में पैक किया जाए। तो फाइनली आपने देखा कि चिकन ऑलरेडी पैक हो चुकी है, पार्सल भी बन चुकी है। और बाहर बताओ तो मैंने जैसे आपको कहा था कि शाम को मैंने चिकन बनाने के लिए दिया था और रात हो चुकी है। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा अंधेरा हो चुका है दोस्तों। और मे बी मैं आपको पिकनिक स्पॉट तक शायद मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि पिकनिक स्पॉट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मे बी यहीं पे मुझे ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जहाँ पर हमारी पिकनिक स्पॉट है उस जगह को मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाऊँ। और दोस्तों ये रहा चिकन पार्सल जिसे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और मैं अब यहाँ से रवाना देने वाला हूँ अपने पिकनिक स्पॉट पर। तो मिलते हैं वहीं पर। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने पिकनिक स्पॉट पर पहुंच चुका हूं और ये एक रिवर साइड है। और आप मेरे बैकग्राउंड में अगर मैं आपको दिखा पाता थोड़ा सा भी पार्सल वगैरह वगैरह कुछ भी, तो ये देखिए ये है पार्सल जो कि हमने अभी रेस्टोरेंट में बनाया और इसे हम खोल के चटक जाने वाले हैं। और इधर आप देखिए, मैं शायद आपको दिखा नहीं पाऊँगा एक्चुअली, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है रिवर साइड और ये रहा रिवर और ये पूरा का पूरा नदी है दोस्तों। एकदम नदी के किनारे हम लोग बैठ के पिकनिक मनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पिकनिक स्पॉट पे और ये रहा आज का खाना। ठीक है, ये एक्चुअली जो हमने चिकन बनाया वही है और आप देख सकते हैं मे बी आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये। तो मैं अभी ट्राई करने जा रहा हूँ, कैसा लगेगा मुझे ठीक तरह से पता नहीं है कौन सा ट्राई किया जाए। काफ़ी गर्म है दोस्तों ये फ़िलहाल अभी तक, देखते हैं इसे ही ट्राई करते हैं। ना ना ये क्या है पता नहीं, नमक थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों लेकिन टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। सच में ऑसम टेस्ट है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अपना आज का ब्लॉग तो शेयर कर दिया आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पर। ओके बाय।